फाइनेंस बिल क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसे कैसे पारित किया जाता है, इट मीन्स इसे कैसे पास किया जाता है। सो गाइस, आज हम लोग फाइनेंस बिल को अच्छे से समझेंगे। हे एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंस बिल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो हमारे फाइनेंस बिल में आते हैं। इस बिल में कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इम्पोजिंग अ न्यू टाइप ऑफ टैक्स और अमेंडमेंट ऑफ करंट टैक्स, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड वे में देखा जाए तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास जितने भी फाइनेंस रिलेटेड प्रपोजल होते हैं उसे एक बिल के फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। एंड एवरी ईयर एक बजट पेश किया जाता है। जब ये बजट पेश हो जाता है इसके बाद इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। एंड इस बिल में मनी बिल की ऑल कंडीशंस अप्लाई की जाती है। सो गाइज, ये हो गया फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मनी बिल, सेकेंड है फाइनेंस बिल फर्स्ट, एंड थर्ड है फाइनेंस बिल थर्ड। सो गाइज, अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि सभी मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, बट सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। वही फाइनेंस बिल मनी बिल हो सकते हैं जिसमें हमारे आर्टिकल 110 के जो 6 केसेस हैं अगर मेंशन हो। वैसे तो कौन सा बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसका डिसीजन लोकसभा करती है। सो गाइस, फाइनेंस बिल फर्स्ट, जिसे आर्टिकल 117 में एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आर्टिकल 110 के 6 प्रोविज़न भी इंक्लूड है, एज वेल एज अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड है जो आर्टिकल 110 में नहीं लिखे गए। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड प्रोविज़न। अब गाइस, फाइनेंस बिल के मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ, जिसमें से फर्स्ट ये है कि मनी बिल से रिलेटेड 6 प्रोविज़न इस बिल में इंक्लूड है, इसलिए इसको प्रेजेंट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, फिर ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि मनी बिल के 6 जो केसेस है, 6 केसेस के अलावा इसमें और भी केसेस है, तो उस फॉर्म में ये ऑर्डिनरी बिल के तरह काम करता है। तो जब ये ऑर्डिनरी बिल के तरह काम कर रहा है तो इस केस में हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की नीड या प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। और जब ये राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो इसे होल्ड भी कर सकते हैं या इसे पास भी कर सकते हैं। फिर जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में जब पास कर दिया जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसे होल्ड कर सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं, या वो इसे रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। इन केस दोनों हाउसेस के बीच डेडलॉक होता है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट मीटिंग भी बुलाते हैं। सो गाइज, ये था फाइनेंस बिल फर्स्ट। सो गाइज, फाइनेंस बिल सेकेंड, जिसे आर्टिकल 117 पार्ट थर्ड में एक्सप्लेन किया गया है। इट्स स्पेशल बिकॉज इसमें मनी बिल के 6 प्रोविज़न इंक्लूड नहीं है। इस बिल को इनएक्टेड एंड प्रमोट करने के लिए भारत की कंसोलिडेटेड फंड से मनी स्पेंड करनी होती है। ये जो बिल है ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, तो इसको जो पारित करने पास करने का जो प्रोसेस होता है सेम ऑर्डिनरी बिल की, मीन्स इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि इसे हम पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट करें, इसे हम किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो इसे होल्ड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, एंड इसे पास भी कर सकते हैं। फर्स्टली, इसमें हमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी होती है, बट ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पास नहीं कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट हाउस को रिकमेंडेशन ना दे दे। और जब ये पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसे होल्ड कर सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं, या इसे रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। इफ़ एनी केसेस दोनों हाउसेस के बीच डेडलॉक्स हो जाता है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट मीटिंग को बुलाते हैं। आई होप आपको फाइनेंस बिल समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़